हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी आर टू सब्सटेंसेस अंडरगोइंग रेडियो एक्टिव डिके इन अ कंटेनर। ठीक है, तो एक कंटेनर में ए और बी दो सब्सटेंस लिए हुए हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिके कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव डिके मतलब बच्चों, हमें यहाँ पे हिंट मिल चुकी है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है, 15 मिनट, एंड दैट ऑफ बी इक्वल्स टू 5 मिनट्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी डी नॉट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। ठीक है, सो बी नॉट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए नॉट। दे बोथ स्टार्ट डिकेइंग एट द सेम टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सेम। ठीक है, तो इसका मतलब हमें बोल रहा है कि कितने टाइम में हमारा ए टी बी टी के इक्वल आ जाएगा, यही पूछ रहा है, राइट। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड ई टू द पावर माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम टेकन। हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी के वन, ओके ये रख रहेगा के वन टी इज इक्वल्स टू बी नॉट। देखो बच्चों, मैं इसको के वन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ए अपना इंडिपेंडेंटली डिके कर रहा है, बी अपना इंडिपेंडेंटली डिके कर रहा है, तो इसकी रेट कुछ अलग होगी और इसकी रेट भी कुछ अलग होगी। ठीक है, तो इसका रेट कॉन्स्टेंट भी अलग होगा, लेकिन टाइम तो हमें क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम, मुझे टाइम निकालना है दोनों के लिए। ठीक है, तो दोनों दोनों के लिए टाइम निकालना है कि कब हमारा कंसंट्रेशन का सेम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखो अब क्या मैं पुट कर सकती हूँ, बी नॉट के प्लेस में मैं 4a0 पुट कर, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगी ए नॉट इज पावर माइनस के वन इंटू टी पावर माइनस के टू टी, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, अब क्या होगा, ई टू पावर माइनस के वन टी डिवाइडेड बाय e टू द पावर के टू टी इज इक्वल्स टू 4। अब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के वन टी प्लस के टू टी इज इक्वल्स टू 4, दोनों साइड लॉन लगा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टू माइनस के वन इंटू टी इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा लॉन 4। ठीक है, लॉन 4 क्या लिख सकते हो, लॉन 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 लॉन 2, मतलब मुझे टाइम पता करना है, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू लॉन 2, लॉन मतलब ये हो गया हमारा 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.2 लॉग। ठीक है, हाँ 2, ठीक है। अब के टू माइनस के वन की वैल्यू चाहिए मुझे, के टू माइनस के वन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, टी हाफ क्या होता है, ये होता है 0.693 बाय के वन, ये क्या होगा 0.693 बाय के। तो अगर के वन का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 0.693 बाय 15, ये हो जाएगा मेरा 0.693, दोनों में कॉमन होगा, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते एक बार और। के टू के लिए आ जाएगा कितना 5 और के वन के लिए आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो हाँ कॉमन ले लो 0.6, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, इसी स्टेप में अगर मैं कॉमन ले लूँ तो सकते हैं, यहीं पे मैं कॉमन लेके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 0.693, यहाँ पे 1/15, यहाँ पे 1/5, 1/15 कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2/15, राइट। तो 0.301 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 2/15, हाँ 15 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 कैंसिल, ओके तो 2.3 कैंसिल, अब 0.3 ये 0.30 है ना, ऑलमोस्ट सेम, 0.3 कैंसिल, कितना बच रहा है टाइम, 3 15। अब इसका यूनिट क्या होगा, सब किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम विल बी इक्वल्स टू 15 मिनट्स, दैट मीन्स 15 मिनट्स विल बी टेकन फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड टी सेम। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों।